स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। हम लोग के चैप्टर का नाम है सैंपल प्रोग्राम्स और सेशन नंबर 11 प्रोग्राम्स यूजिंग फंक्शंस। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि फंक्शन में हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे करते हैं, जैसे कि हम अपने से फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं। पहले भी हम लोगों ने देखा और भी हम लोग दो तीन एग्जाम्पल अभी देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट प्रोग्राम है टू स्वैप द नंबर्स। स्वैप मतलब सपोज ए का एक वैल्यू है और बी का दूसरा वैल्यू है, तो बी की जो वैल्यू है वो ए में आएगी और ए की वैल्यू बी में, मतलब इंटरचेंज है इसका, दोनों का वैल्यू का इंटरचेंज मतलब स्वैप। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि स्वैप फंक्शन है। ओके, स्वैप फंक्शन में हम लोगों ने दो पैरामीटर्स पास किए, इंट ए इंट बी, देन मेन फंक्शन है। यहाँ पे मेन फंक्शन हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि पहले हम लोग को स्वैप फंक्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पे स्वैप फंक्शन में टेम्पररी एक वेरिएबल लेना पड़ता है। तो स्वैप का एक्चुअली फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि सपोज आपने अगर सपोज आपके बेंच पे तीन लोग हैं, ओके, और आपको फर्स्ट और लास्ट जो है उनकी आपको प्लेस चेंज करनी है। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, एक को दूसरे साइड में खड़े करते हैं और उसके बाद में जो है एक्सचेंज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्पररी एक जो प्लेस होता है उसको यूज करते हैं, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक टेम्पररी प्लेस है जिसका हम लोगों ने वेरिएबल दिया है टीएमपी। तो जस्ट ये टेम्पररी वेरिएबल में मैंने ए रखा, देन ए की जगह पे बी रखा और बी की जगह पे फिर से टेम्पररी रखा, तो क्या हो गया, ये जो वैल्यूज है वो चेंज हो गई। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी वैल्यूज दी है 12 एंड 44। एम की वैल्यू 12 है और एन की वैल्यू है 44। ओके, अब जब रन करेंगे तब होगा एन की वैल्यू 22 एंड एम की वैल्यू 44। और यहाँ पे देख सकते हैं आप फंक्शन यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है। फंक्शन में हम लोगों ने ए भी लिया, ये फंक्शन के लिए वेरिएबल्स यूज होंगे, और एम एन लिया मेन फंक्शन के लिए। ओके, हम लोग प्रोग्राम फिर से ऑनलाइन रन करके देखेंगे। इसको मैंने कॉपी किया, देन अभी रन करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज बिफोर स्वैप क्या थी, m इज इक्वल टू 22 एंड n इज इक्वल टू 44। इसके बाद में आफ्टर स्वैप जो ये फंक्शन हम लोग रन करते हैं, इसके बाद में वैल्यूज हो जाती है 44 एंड 22। ओके, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम लोग m और n की वैल्यू जो है वो यूजर से लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आएगा enter values okay then scan it ओके। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यूजर से वैल्यू ली, देन अब हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज देते हैं 30 15 देन यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंटर ऐड किए ताकि हम लोगों को रेफरेंस मिल सके। तो यहाँ पे एंटर नंबर, दो नंबर एंटर किए और यहाँ पे पॉइंटर ऐड किए ताकि हम लोगों को एड्रेस मिल सके। ओके, अब हम लोग रन करते हैं।
यहाँ पे वैल्यूज आई आफ्टर स्वैप, एन इज इक्वल टू 12 एंड एन इज इक्वल टू 34। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है एड टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे जैसे एडिशन के लिए अभी मैंने फंक्शन दिया एडिशन। ओके, देन दो पैरामीटर नम वन नम टू, देन एंड सम, सम इज इक्वल टू सम नम वन प्लस नम टू। यहाँ पे एडिशन किया नॉर्मल और रिटर्न किया सम। और यहाँ पे मेन फंक्शन में हम लोगों ने दो नंबर एंटर किए। ओके, देन रिजल्ट इज इक्वल टू एडिशन का जो फंक्शन है वो यहाँ पे चलाया और प्रिंटेड आउटपुट दिया हम लोगों ने रिजल्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने फंक्शन यूज करके एडिशन किया। तो ये प्रोग्राम भी पहले हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पे आएगा इनटू फर्स्ट नंबर, देन सेकेंड नंबर, देन आउटपुट। तो इस तरीके से एडिशन किया हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक ही फंक्शन किया है, इससे ज्यादा भी अगर हम लोगों को फंक्शन करने तो हम लोग कर सकते हैं। ओके, जैसे अभी हम लोग ऐड करेंगे सब्ट्रैक्शन। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने ऐड किया डिफरेंस का, और एक फंक्शन मैं ऐड करती हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने दो फंक्शंस और भी ऐड किए। तो हम लोग जितने चाहे फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसके हिसाब से हम लोगों को जैसे डिफरेंस में मैंने माइनस किया, अब प्रोडक्ट में हम लोगों को इंटू करना पड़ेगा, और इसके सब इफेक्ट्स हम लोगों को यहाँ पे वेरिएबल मैंने सम ही रखा है, ये वेरिएबल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे हम लोग जैसे एडिशन के लिए इंट आर ई एस वेरिएबल लिया, तो हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे और दूसरे फंक्शंस के लिए सपोज यहाँ पे मैंने आर ई एस वन लिया, देन टू लिया। ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन के नाम चेंज करेंगे डिफरेंस, देन प्रोडक्ट, यहाँ पे सम इक्वल टू डिफरेंस इक्वल टू एंड प्रोडक्ट इक्वल टू। तो हम लोगों ने देखा कैसे करके हम लोग फंक्शन को ऐड करते हैं, देन तो यहाँ पे स्लैश एन भी लिखेंगे। फर्स्ट नंबर यहाँ पे आ गया, हम लोगों ने नंबर दिए 35 एंड 10, तो यहाँ पे सम आ गया 45, डिफरेंस 25 एंड प्रोडक्ट 350। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हम लोगों ने देखा कि फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम लोग कैसे बना सकते हैं। ओके, और हम लोग फंक्शंस का जैसे स्वैप के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, और एक ही प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा कि फंक्शंस हम लोग कैसे करके ऐड कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट ऑपरेशन के लिए ऐड कर सकते हैं। जब फंक्शंस हम लोग क्रिएट करते हैं तो हम लोग सेम वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।